वेलकम बैक टू माई न्यू अनदर वीडियो। तो आज मैं आपके साथ एक नया गाड़ी लेकर के आया हूँ जो कि टाटा टिगोर एक्सएम वेरिएंट है, BS6 2023 मॉडल। और अगर मैं इसकी प्राइस रेंज की बात करूँ तो 6,54,000 इसकी एक्स शोरूम कीमत है फ्रेंड्स। और अगर मैं इसकी ऑन रोड कीमत की बात करूँ तो 7,36,000 इसकी ऑन रोड कीमत है। और कलर ऑप्शन आपको मिल जाती इसमें ग्रे, ब्लू, रेड। इस वाली वेरियंट में, एक्सएम वेरियंट में आपको तीन कलर ऑप्शन मिल जाएगी। और अगर मैं इसमें सेफ्टी की बात करूं फ्रेंड्स तो आपको सेफ्टी में मिल जाएगी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, सेंटर लॉकिंग, दो एयरबैग, सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, इंजन चेक वार्निंग लाइट, EBD, आपको इतना मिल जाती है सेफ्टी में। और इसका फ्रंट प्रोफाइल देख सकते हो, आपको हाइलोजन बल्ब की सेटअप मिल जाती है और इसमें इंडिकेटर बल्ब वाली आपको मिल जाएगी। और आपको देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक फिनिशिंग हेडलाइट पर मिल जाती है यहाँ पर, और नीचे में क्रोम फिनिशिंग। और यहाँ पे आपको फॉग लैंप्स कंपनी प्रोवाइड नहीं किए, बट यहाँ पे देख सकते हैं पियानो ब्लैक फिनिशिंग में आपको मिल जाती है दोस्त। और यहाँ पे देख सकते हैं इसकी कुछ डिज़ाइन यहाँ पे मिल जाती है, फ्रंट ग्रिल जो कि इस टाइप में दिखती है। और यहाँ पे आपको टाटा की बड़ी सी लोगो मिल जाती है जो कि क्रोम फिनिशिंग में है, और इसकी क्रोम फिनिशिंग बॉडी में आगे पूरा यूज की गई है, आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे सेंटर में आपको नंबर प्लेट की जगह मिल जाती है, और नीचे में भी ग्रिल लगी हुई है जिससे अंदर इंजन में हवा प्रवेश करे और इंजन को ठंडा मिले। और फॉग लैंप्स आपको नहीं मिलती है, आपको एडिशनल में इसमें लगवानी पड़ेगी फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हैं इसकी कुछ साइड प्रोफाइल, साइड प्रोफाइल में आपको यहाँ पर टायर मिल जाती है अपोलो की, और साथ में व्हील कैप लगी हुई मिल जाएगी। और इसकी टायर साइज है 175/65R14 की इसकी टायर मिल जाएगी आपको, स्टील व्हील। और अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं तो इसमें लेंथ मिल जाएगी आपको 3993 mm की, और विड्थ मिल जाएगी 1677 mm की, और हाइट मिल जाएगी 1532 mm की, और ग्राउंड क्लियरेंस आपको ठीक ठाक ही मिल जाती है। चलिए मैं दिखा देता हूँ, देख सकते हैं ग्राउंड क्लियरेंस आपको अच्छी मिल जाती है जो कि 170 mm की है, और व्हील बेस आपको मिल जाएगी 2450 mm की। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे आपको इसकी अनलॉक करने की हैंडल ब्लैक फिनिशिंग में मिल जाती है, कोई क्रोम फिनिशिंग वगैरह नहीं मिली है, ना ही पियानो ब्लैक फिनिशिंग। और यहाँ पर आपको वाइट में ही मिल जाती है इसकी बी पिलर, और डोर हैंडल भी आपको मिल जाती है यहाँ पे, देख सकते हैं ड्राइवर डोर हैंडल जो कि ब्लैक फिनिशिंग में। और यहाँ पे की स्लॉट मिल गई है, और इसकी ORBM देख सकते हैं जो कि मैनुअल ORBM है, और ना ही यहाँ पे कोई टर्न इंडिकेटर है। इसकी फेंडर पे इंडिकेटर है यहाँ पे कंपनी दे दी है, देख सकते हैं। और ये है इसकी वाइपर्स, आते हैं अब इसकी रेयर प्रोफाइल पे। तो रेयर प्रोफाइल में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स आपको LED टेल लाइट मिल जाती है, और हाइलोजन बल्ब वाली इसकी इंडिकेटर मिल जाएगी, और इसकी टेल लाइट में भी क्रोम फिनिशिंग की काम की गई है, ये आप देख सकते हो, काफ़ी स्पोर्टी दिखती है इसकी टेल लाइट। और ऊपर में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसकी एंटीना मिल गई है, और हाई माउंट स्टॉप लैंप्स जो कि LED में आई हुई है, और ऊपर में पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिल जाती है, और इसमें ना कोई डिफॉगर है। और सेंटर पे आप नज़र डालें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टाटा के क्रोम फिनिशिंग में लोगो मिल गई है यहाँ पे, और नीचे नंबर प्लेट की जगह। और यहाँ पे आपको कैमरा वगैरह नहीं मिली है यहाँ पे, बट जगह दी गई है यहाँ पे, आप एसेसरीज में लगवा सकते हो। और ये की स्लॉट देख सकते हैं बूट स्पेस की, और नंबर प्लेट की जगह, और दो सेंसर मिल जाती है आपको इसमें, और नीचे में रिफ्लेक्टर लाइट इस साइड और उस साइड दोनों साइड में आपको मिल जाएगी। और नीचे में आपको एक क्रोम फिनिशिंग मिल गई है, लंबी सी लाइनिंग देख सकते हो, और ब्लैक फिनिशिंग। तो चलिए मैं आपको बूट स्पेस दिखा देता हूँ एक बार इसकी, ये है इसकी कुछ ऐसी की मिल गई है जो कि नॉर्मल की है, दो चाबी मिल जाती है आपको फ्रेंड्स। इसमें आपको 419 लीटर की इसकी बूट स्पेस आपको मिल जाती है, काफ़ी बड़ी बूट स्पेस है इसमें। चलिए मैं अंदर दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आप नज़र डालें तो देख सकते हैं ट्रायंगल्स मिल जाती है इमरजेंसी के लिए, और ये पंचर टूल किट मिल जाती है आपको। और नीचे में आपको देख सकते हैं जैक वगैरह, स्टेपनी, स्टील व्हील मिल जाती है,
तो इसकी कुछ इस टाइप में है, और लाइट वाइट इसमें नहीं मिली है अंदर में, देख सकते हैं फ्रंट डोर देख सकते हैं फ्रेंड ड्राइवर साइड की। यहाँ पे आपको मिल जाती है ऑल फोर पावर विंडो की कंट्रोल्स और ऑटोमेटिक अप डाउन करने की बटन, ग्लास लॉक अनलॉक करने की बटन, और यहाँ पे छोटा सा स्टोरेज मिल जाती है आपको, अनलॉक करने की हैंडल, लॉक करने की यहाँ पे बटन मिल जाती है, सेंटर लॉकिंग और मैनुअल एडजस्टेबल इसकी देख सकते हैं यहाँ पे मिल गई है। और नीचे में आपको स्पीकर मिल जाती है, और यहाँ पे बॉटल होल्डर मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको मिल जाती है टायर प्रेशर की इंफॉर्मेशन, और एडजस्टेबल सीट मिल जाती है फ्रेंड्स आपको इस वाली गाड़ी में, देख सकते हैं यहाँ से आप एडजस्ट कर पाओगे और इससे आगे पीछे। और फैब्रिक फिनिशिंग में इसकी सीट मिल गई है। यहाँ पर आपको बूट और फ्यूल पुल करने की यहाँ पे सिस्टम मिल जाती है, और ये बोनट पुल करने के लिए यहाँ पे मिल जाती है, और तीन पैंडल्स मिल जाएगी, और यहाँ पे स्टोरेज मिल जाएगी आपको। और ये है इसकी कुछ एसी वेंट्स जो कि पियानो ब्लैक फिनिशिंग में मिल जा रही है इसकी एसी वेंट्स, और यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग, और यहाँ पे आपको देख सकते हैं की स्लॉट मिल जाती है। तो चलिए मैं अंदर बैठता हूँ और फिर आपको डिटेल्स में बताता हूँ। इसकी इंटीरियर देख सकते हो फ्रेंड्स, कुछ ऐसी दिखती है इसकी इंटीरियर, और ये इसकी स्टेयरिंग जो कि काफ़ी कंफर्टेबल लगती है पकड़ने में, और आपको टिल्ट स्टेयरिंग मिल जाती है देख सकते हो आप, और यहाँ पे टाटा की लोगो मिल जाएगी, और डुअल एयर बैग आपको मिल जाती है इस वाली वेरिएंट में, और ना ही यहाँ पे कोई कंट्रोल्स मिल रही है दोनों साइड। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिल जाती है फ्रेंड्स, और इधर लेफ्ट साइड में देख सकते हैं इसकी वाइपर की कंट्रोल्स मिल जाती है, और राइट साइड में आप देख सकते हैं हेडलाइट की कंट्रोल्स मिल गई है, और पार्किंग लाइट्स की और डीपर वगैरह। और इसकी मीटर पर आप नज़र डालें तो, एक सेकेंड मैं ऑन करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि डिजिटल में आपको मिल जाएगी, और लेफ्ट साइड में आपको टैकोमीटर शो करती है, राइट साइड में फ्यूल और इंजन हीटिंग, और बीच में आपको छोटी सी MID मिल जाती है डिजिटल, जो कि उसमें स्पीड और फ्यूल ट्रिप हर कुछ और एवरेज वगैरह सब कुछ इसमें शो करेगी, इंजन चेक लाइट। और इधर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको मिल जाती है टच वाली इसकी म्यूजिक सिस्टम, इसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम बड़ी वाली स्क्रीन वाली नहीं मिलती है, इसमें आपको म्यूजिक सिस्टम मिल जाती है, FM रेडियो वगैरह, इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ये सब आपको मिल जाएगी इसमें। और नीचे में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैनुअल आपको AC इसकी मिल जाती है, और यहाँ पर आपको देख सकते हैं USB पॉइंट मिल गई है, चार्जिंग सॉकेट मिल गई है यहाँ पर देख सकते हैं, और नीचे में कुछ स्टोरेज है, आप यहाँ पे मोबाइल वगैरह या फिर छोटा मोटा सामान आप रख सकते हो। और ये इसकी मैनुअल 5-speed गियर, और नीचे में आपको लेदर फिनिशिंग मिल जाती है गियर नॉब में, और यहाँ पे आपको 2 cup होल्डर्स मिल जाती है फ्रेंड्स, और यहाँ पे छोटा सा स्टोरेज, और ये इसकी देख सकते हैं हैंड ब्रेक, आगे में क्रोम फिनिशिंग मिल जाती है, और ना यहाँ पर कोई आर्मरेस्ट वगैरह आपको कंपनी प्रोवाइड की है। और पीछे में देख सकते हैं यहाँ पर स्टोरेज मिल जाती है रेयर पैसेंजर के लिए। और AC वेंट्स पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग की काम की गई मिल जा रही है, और ये हजार लाइट की बटन, और ये इसकी मैनुअल IRBM, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई सी भी आपको वैनिटी मिरर कंपनी प्रोवाइड नहीं की है, और ऊपर में मिल जाती है आपको वॉइस रिकॉग्निशन, इस साइड भी आपको नहीं मिली है वैनिटी मिरर, एयरबैग की यहाँ पर बैजिंग मिल जाती है फ्रेंड्स, और इस साइड भी आपको क्रोम फिनिशिंग और पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिल जाती है, और यहाँ पे SRS एयरबैग की बैजिंग, ट्विटर, और ये इसकी ग्लव बॉक्स, और ग्लव बॉक्स में आपको मिल जाती है फर्स्ट एड किट वगैरह, और टिगोर की बुक मिल जाएगी, और इस साइड भी आपको पावर विंडो की कंट्रोल्स मिल जाती है, और अनलॉक करने की हैंडल, मैनुअल ORBM, और यहाँ पर ये स्टेबल रहने के लिए हैंडल मिल जाती है आपको, और एडजस्टेबल इसकी हेडरेस्ट मिल जाती है को ड्राइवर सीट की, देख सकते हैं फैब्रिक फिनिशिंग में इसकी सीट मिल जाती है आपको,
और यहाँ पे आपको मिल जाएगी सीट बेल्ट जो कि सेफ्टी पर्पज़ के लिए है। तो चलिए मैं आपको अब रेयर सीट में बैठ करके दिखाता हूँ कंफर्टेबल कैसी है इसकी। फ्रेंड्स मैं आपको रेयर डोर की ओर ले जाता हूँ। तो आप रेयर डोर में आप देख सकते हैं आपको पावर विंडो की कंट्रोल्स मिल जाती है फ्रेंड्स, और यहाँ पे स्टोरेज मिल जाएगी और ट्विटर अनलॉक करने की हैंडल, लॉक करने की यहाँ पे बट हैंडल, और यहाँ पे देख सकते हैं बॉटल होल्डर मिल जाएगी फ्रेंड्स, और स्पीकर की यहाँ पे चाइल्ड लॉक मिल जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको अब बैठ करके दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं इसकी रेयर सीट, मेरी हाइट है 5 फीट 10 इंच। तो चलिए मैं आपको बैठ करके दिखाता हूँ कम्फर्टेबल। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं बैठ गया हूँ, लेग स्पेस काफ़ी अच्छी बची हुई है, ये एक सेडान कार है। और पीछे में आपको रेयर एसी वेंट्स नहीं मिलती है, एक सेकंड मैं डोर को बंद कर लेता हूँ। और है एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाती है ड्राइवर की, और ये फैब्रिक फिनिशिंग में इसकी सीट मिल जाएगी। और इस साइड में देख सकते हैं पावर विंडो की कंट्रोल्स और अनलॉक करने की हैंडल, ट्विटर, स्पीकर, बॉटल होल्डर, और स्टेबल रहने के लिए यहाँ पे हैंडल मिल जाएगी आपको। और पीछे में देख सकते हैं ये सामान वामान रखने के लिए पार्सल ट्रे टाइप में यहाँ पे मिल गई है। को एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, लेकिन काफ़ी सॉफ्ट टच है देख सकते हैं। और पीछे में आपको मिल जाती है पार्सल ट्रे, और ना ही यहाँ पर कोई आपको मिलती है हैंडरेस्ट। इंजन देख सकते हैं फ्रेंड्स 1.2 लीटर की रेवोट्रोन इंजन मिल जाती है BS6 1199 cc की, और मैक्स पावर 84.82 bhp 6000 rpm पे आपको मिल जाएगी, और मैक्स टॉवर 113 nm 3300 rpm पे आपको मिल जाएगी। और 3 सिलेंडर की गाड़ी है ये, 4 बल्ब्स वाली, और माइलेज भी आपको आराम से 20 की गाड़ी क्लेम कर देगी फ्रेंड्स। अगर आपको एक अच्छी वाली अगर सेफेस्ट कार अगर आपको लेनी है तो आप इस वाली वेरियंट पर जा सकते हो टाटा की टिगोर में। और ऊपर में आप देख सकते हैं आपको नॉइज इंसुलेशन मिल जाती है ताकि केबिन में नॉइज ना जाए इंजन का। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं वीडियो को समाप्त करता हूं, और मैं फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको रिव्यू अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें।